लोकसभा चुनाव के लिए चलिए जिस तरीके से जद्दोजहद हर राज्य में किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ रुख यूपी का कर ले। योगी की डिमांड न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अब देश भर के हर राज्य के लिए बढ़ती जा रही है। और बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक रैलियों का कैलेंडर उनका तैयार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की नजर उनके गढ़ गोरखपुर पर है। निषाद यादव दलित वोट बैंक के सहारे अखिलेश यादव अब सेंध लगाने की तैयारी में है, तो वहीं गोरखपुर में योगी ने पहले से ही फील्डिंग की हुई है। भोजपुरी तड़का लगाकर योगी ने कैसे गोरखपुरी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के 21 जिलों की 26 सीटें और बिहार में भोजपुर बेल्ट की 10 सीटों पर निशाना साध दिया, समझिए और देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो चोर टाइप की है। गोरखपुर जो कहते हैं ना कि बाबा जी का गढ़ है, गोरखपुर में आए दिन इतनी घटना होती। ये जो अभी चुनावी मेंढक निकलेंगे, अखिलेश यादव जी अब निकलेंगे, कहां थे कोरोना में ये लोग? गोरखपुर मतलब गोरक्षकपीठ, गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी का गढ़। बहुत से लोग आज की तारीख में गोरखपुर को ऐसे ही जानते हैं। आज के समय काशी के बाद गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मानी जाती है। कहा जाता है यहाँ जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है उसका प्रभाव आसपास की कई लोकसभा सीटों पर देखा जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से 5 बार सांसद रहे और यूपी की सियासत में शिखर तक पहुँचे। अब एक बार फिर 24 के रण की बिसात बिछ चुकी है और गोरखपुर में आमने सामने हैं दो भोजपुरी एक्टर। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार रवि किशन पर दोबारा दाव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने निषाद वोटर के भरोसे भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को मैदान में उतारा है। दोनों कैंडिडेट भले ही कलाकार हों, एक ही इंडस्ट्री से आते हों, भोजपुरी बेल्ट में लोकप्रिय हों, लेकिन अब दोनों के बीच जंग सियासत की है जिसमें जीत सिर्फ एक की होनी है। ऐसे में दोनों नेताओं ने कैंपेनिंग में पूरी ताकत झोंक दी है। हम लोगों को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। जिस बूथ पर हम लोग कमजोर रहे, जिस बूथ पर हम लोग हारे हैं, वहां पर हम लोगों को बढ़ाना है। 370 वोट का टारगेट हम सभी को मिला है, पूरे कार्यकर्ताओं को। अब उसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है। कैसे लाना है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसका नाम डलवाना है, एक एक घर, उसके लिए हर दरवाजे को हम लोगों को खटखटाना पड़ेगा। टारगेट बहुत बड़ा है, 400 सीट पार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है, उसको सार्थक बनाना हम कार्यकर्ताओं का फर्ज है। एक तरफ रवि किशन बूथ बूथ वोट बढ़ाने की जुगत में दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट काजल निषाद के हौसले बुलंद हैं। ये एक पैर की चोट है, दोनों पैर में भी चोट होती तभी भी ये चोट मुझे रोक नहीं पाती है जनता के बीच में जाने से। काजल निषाद के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी गोरखपुर में बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर चुकी है। 5 बार सांसद रहने के बाद जब योगी आदित्यनाथ को 2017 में सीएम बनाया गया तो 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुए जिसमें निषाद, यादव और दलित वोटरों के दम पर कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका दिया और प्रवीण कुमार निषाद ने जीत दर्ज की। लेकिन 2019 के चुनाव में रवि किशन को लाकर बीजेपी ने एक बार फिर से गोरखपुर में समीकरण सेट कर दिया और अब एक बार फिर रवि किशन उसी जीत को दोहराने के लिए निकल पड़े हैं।
हम लोगों का विकास इतना विराट है, हम लोगों की चुनौती है 400 पार, लेकिन हम लोगों की चुनौती है कि 65% से ज्यादा वोट शेयर लाना। हम लोगों की लड़ाई बहुत विराट है, हम लोगों की लड़ाई किसी और से नहीं, विपक्षियों से नहीं, क्योंकि विपक्षियों ने तो लूटा है, भ्रष्टाचार किया, माफिया राज किया, गोली चलवाई है, हत्याएं करवाई है, भ्रष्टाचार में चरम पे किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया सपा ने। इन लोगों से हम लोगों की लड़ाई नहीं, हम लोगों की लड़ाई स्वयं से है। हम लोगों की लड़ाई हर बूथ पे 370 वोट और बढ़ाने की, पिछली बार हम 7.5 लाख वोट पाए थे, उसको 10 लाख से ऊपर लेके जाना। रवि किशन बड़ी आसानी से 10 लाख वोटों का दावा कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है 2019 के नतीजे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राम निषाद को शिकस्त दी थी, जबकि कांग्रेस के मधुसूदन 30,000 से भी कम वोटों में सिमट गए थे। तो अभी चुनावी मेंढक निकलेंगे, अखिलेश यादव जी अब निकलेंगे, कहाँ थे कोरोना में ये लोग? एक सपा का कार्यकर्ता बता दो और किसी बसपा कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक आदमी जमीन पर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल के खड़ा था, कहाँ थे बहन बेटी के लिए, अपने समाज के लिए? इसी वजह से पीछे हैं कि एसी रूम पॉलिटिक्स होती है, एसी के चलते। अरे ये सब हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम लोग मिट्टी के घर से आए हैं, हम लोग मिट्टी के घर से आए हैं। मोदी जी है, पूज्य योगी महाराज जी, हम लोगों ने गरीबी, जो गरीबी देखा है वही गरीबों का दर्द जानेगा। पिछले चुनाव में बीजेपी की जीत में वोट का अंतर भले ही 3 लाख से ज्यादा हो, प्रधानमंत्री मोदी के काम और सीएम योगी के चेहरे के भरोसे इस बार भी गोरखपुर सीट बीजेपी के ही खाते में आती दिख रही हो। लेकिन रवि किशन आराम से नहीं बैठे हैं, वो जनता के बीच गोरखपुर में हुए विकास और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ पहुँच रहे हैं। वहीं काजल निषाद के निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी और रवि किशन ही है। 5 साल में यहाँ पर हमने अपना रोजगार, एक पहला सांसद हूँ जो अपना रोजगार लाके यहाँ लगा दिया, यहाँ के कलाकारों को नौकरी मिल गई, यहाँ रोज शूटिंग हो रही है, गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है, पानी में यहाँ क्रूज चल रहा है, 10,000 रेड़ी पटरी वाले और यहाँ खुमचा वाले सब लोगों का परिवार चल रहा है इसी नौकायन। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। जनता लड़ रही है मेरी तरफ से, मैं जनता के सुख दुख में खड़ी होने जा रही हूँ, मैं उनके जो मुद्दे हैं वो उठाने जा रही हूँ, उनकी आवाज उठाने जा रही हूँ, कोई कहीं भी पीड़ित हो वहाँ जाकर आवाज उठाती हूँ। समाजवादी पार्टी ने भले ही निषाद फैक्टर के चलते काजल निषाद को टिकट दिया हो, लेकिन ना तो काजल सियासत में नहीं है और ना ही गोरखपुर उनके लिए अनजान है। काजल निषाद की शादी गोरखपुर के भवापार के रहने वाले संजय निषाद से हुई है। संजय निषाद भी भोजपुरी फिल्मों के फेमस निर्माता हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में आने से पहले काजल निषाद को 2012 में कांग्रेस ने विधानसभा टिकट दिया था, लेकिन काजल निषाद की हार हुई। इसके बाद उन्होंने 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2022 में कैंपियरगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन काजल निषाद फिर से हार गई। 2023 में सपा ने गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी बनाया, लेकिन काजल निषाद की एक बार फिर हार हुई। अब तक बड़ा एक्सपीरियंस कड़वा रहा है आपका, चुनाव तो बहुत लड़ी लेकिन अभी तक वो विजय वाला परिणाम नहीं आ पाया। इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि महापौर चुनाव में विजय वाला परिणाम भी आ चुका था, लेकिन हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो चोर टाइप की है। वो बात तो करती है नारियों की, नारी शक्ति वंदन बिल लाने की बात करेंगे, नारी शक्ति वंदन पे बड़े बड़े भाषण देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देंगे, लेकिन बेटियों का वोट भी चोरी करने का काम यही लोग करते हैं। काजल निषाद ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है, तो वहीं रवि किशन का भी सियासी सफर भी हार के साथ ही शुरू हुआ था। रवि किशन बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में थे। 2014 में उन्होंने जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2019 में गोरखपुर से जीत हासिल की। योगी जी का भी आशीर्वाद मिलता है, उनका भी गृह जनपद है, तो उनके जो सरकार की योजनाएं वो भी गोरखपुर तक पहुंचती हैं। बताओ सांसद, आप भी गोरखपुर की किस्मत बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो ये दोहरा फायदा आपको मिलता है। देखिए बात हुए, लेकिन मनुष्य की थोड़ी याददाश्त कमजोर है, पा के भूल जाता है, ये दिक्कत बहुत है इंसानी फितरत में। उसको रोज याद दिलाना पड़ता है कि भैया हो यार गोली चलत रहे, भैया हो यार अपराध रहे, भैया हो बहन बेटी की इज्जत खतरे में रहे, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता था, लोग की जिंदगी खतरे में रहती थी, हम लोगों के इंडियन पासपोर्ट पर लोग थूकते थे, पहले सम्मान नहीं मिलता था, अरे भारत से आए आप देखो कैसे।
गोरखपुर में भले ही रवि किशन को जीत करीब दिख रही हो, लेकिन 2018 में बीजेपी की हार और गोरखपुर का जातिगत समीकरण कहता है कि बीजेपी के लिए राहें इतनी भी आसान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद वोटर हैं, 2-2 लाख यादव और दलित हैं, 1.5 लाख मुस्लिम वोटर और उतने ही ब्राह्मण वोटर हैं, 1.25 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर हैं, भूमिहार और वैश्य भी करीब 1 लाख हैं। ऐसे में काजल निषाद पर दाव लगाना समाजवादी पार्टी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री लगातार विकास के काम भी कर रहे हैं, सांसद जी भी कह रहे हैं कि मैंने जो है गोरखपुर की किस्मत बदलने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, तो ऐसे में काजल निषाद के लिए जगह बचती कितनी है? देखिए, दमदार कैरेक्टर को ही दमदार भूमिकाएं निभाने का मौका मिलता है।